हेलो एवरीवन, एजु रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये डेट प्लस बी स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर एमसीक्यू के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 361, गर्भावस्था का समय है गर्भ धारण से जन्म तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक, गर्भ धारण का समय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था का समय होता है गर्भ धारण से जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ हम सीखते हैं तो अधिगमकर्ता ज़रूरी है, आंतरिक अवस्था ज़रूरी है, प्रेरक यानी मोटिवेशन की उसको नीड होती है बच्चे को, शिक्षक का इतना होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 363, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, किस प्रकार का। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। हाँ जी, बच्चों को सीखने के लिए चाइल्ड सेंटर्ड हमारा जो एजुकेशन है उसको हमें फॉलो करना चाहिए और बच्चों को खुद से सीखने के बहुत सारे अवसर या मौके देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या फिर भाव्य कारक। तो इसका आएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। मतलब एक जब तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमें नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि उसमें शो करने लगे हमें, तब एक टीचर को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, बच्चे को वो देना चाहिए, एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि वो खुद से प्रैक्टिस करके खुद से एक्सपीरियंस ले सके और बहुत कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया और पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है, शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन या फिर सामाजिक अनुबंधन। तो इसका आंसर आएगा ऑपरेंट अनुबंधन। प्रश्न नंबर 367, बच्चा किस प्रकार सीखता है, पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। देखिए, अगर ऑप्शंस में से देखा जाए तो बच्चा डी, कई प्रकार से सीखता है। वो पुस्तकें भी पढ़ता है, वो आपस में डिस्कस भी करता है, वो प्रश्न भी पूछता है और सबसे मेन तो होता है कि वो स्वयं करके सीखता है। जब तक वो स्वयं करके किसी काम का अनुभव नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसका सीखना कम प्रकार से आंका जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि डी, कई प्रकार से बच्चा सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निरूपण या फिर खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास, ह्रास यानी कमी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ऑप्शन, खोज का अधिगम का जो है कमी नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब पूरक जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन बाकी तीनों राइट हैं जबकि डी जो है वो यहाँ पर गलत है, ये लाभकारी नहीं होता। हालांकि स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए, उन्हें संभवतः क्या था, असाधारण अनुभव की इच्छा थी, आत्म सिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा थी या अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना।
तो देखिए, जो अब्राहम मसलो है उनके द्वारा विधि जो दी गई थी उसके उससे लिया गया एक प्रश्न है कि अपने देश की रक्षा करते हुए विक्रम बत्रा जो है कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, तो इसका मतलब उन्हें संभवतः क्या था, आत्म सिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की उन्हें इच्छा थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, 3 अथवा 4 वर्ष तक, 6 अथवा 7 वर्ष तक, 8 अथवा 9 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि और श्रवण जो इंद्रियां हैं यानी देखने और सुनने की, वो 3 या 4 वर्ष तक बच्चे की पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने की है, अल्फ्रेड बीने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने। सामान्य यानी जनरल, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, जिसे हम जी और एस से भी डिनोट करते हैं, वो दिया है किसने, स्पीयरमैन ने। 372। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। ये थोंडाइक के द्वारा दिए गए सीखने के नियम हैं, जिसमें हमने बहुत बार पढ़ा है 3 जो उसके मुख्य नियम हैं, तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का। तनाव का कोई भी नियम नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। फ्रेंड्स, गेस्टाल्ट जो वर्ड है ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर में ज़रूर देखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए आप, पेवलोव, स्किनर, थोंडाइक या कोलर। तो आंसर आएगा डी, कोलर। यहाँ पे कर्ट लेविन, कॉफ्का और कोलर, ये तीनों ही गेस्टाल्ट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है, उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रवृत्तियों का चयन या निर्माण, या फिर उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो सोपान है वो इसमें से तीनों ही है। उद्देश्य का निर्धारण भी किया जाता है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन और अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण भी किया जाता है, और मूल्यांकन की प्रवृत्तियों का चयन और उनका निर्माण भी किया जाता है। 375। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है, तो वह किसका उदाहरण है, विस्थापन का, उदातीकरण, रूपांतरण का या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का। अगर शिक्षक द्वारा कक्षा में एक बच्चे को डांट पड़ी है और वो अपना गुस्सा आकर अपनी छोटी बहन पर निकालता है, तो ये किसका है, विस्थापन का यानी डिस्प्लेसमेंट का, अपना गुस्सा औरों पर निकालना। ऐसे ही यदि एक बंदा ऑफिस से घर आ रहा है और ऑफिस में उसको बॉस के द्वारा काफ़ी डांट पड़ी है और वो आकर घर पर अपनी बीवी बच्चों पर चिल्ला रहा है या उन पर गुस्सा निकाल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर भी विस्थापन की प्रक्रिया हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विज्ञान का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग सिद्धांत से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, अधिगम एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो है अधिगम एवं वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है, परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, सामने शिक्षण पर बल देकर या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। शिक्षण को अधिगम में यानी टीचिंग को अगर हम लर्निंग में वो करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें चाइल्ड डेवलपमेंट जो एजुकेशन है उसकी जो शिक्षा पद्धतियाँ हैं, उसका जो शिक्षा शास्त्र है उसको अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है, किस स्थिति पर बच्चे जानने के नियमक को आपात स्थिति में तोड़ा जा सकता है, परायत्ता अधिकार, स्वायत्ता किशोरावस्था, व्यतिक्रम या परतंत्रता पारस्परिकता। तो इसका आंसर आएगा बी, स्वायत्ता और किशोरावस्था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, फ्रायड ने, मैरल ने, कॉलर ने या बर्ट एवं बर्नर ने। तो बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो बर्ट एवं बर्नर ने किया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।